G20 समिट को बस अब 12 दिन का ही वक्त रह गया है। उसी बीच आज दिल्ली के उपराज्यपाल LGBK सक्सेना ग्राउंड पर आए। उन्होंने दौरा किया कि कैसे G20 के लिए दिल्ली को सजाया जा रहा है। उन्होंने गमले हों, फूल हों, पौधे हों, पेड़ हों, फुटपाथ हों और पेंट का निरीक्षण किया। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि अभी भी LGBK सक्सेना आला अधिकारी हैं, वो दिल्ली सरकार में हों चाहे आर्मी के आला अधिकारी हों, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं VK सक्सेना, उन्होंने अपना दौरा आज सुबह शुरू किया। इंडिया गेट से दौरा शुरू कर वो अकबर रोड गए, अकबर रोड से तुगलक रोड गए, तुगलक रोड से अब वो साउथ दिल्ली आए, जहाँ उन्होंने धोलाकुआ मेट्रो स्टेशन से अपना दौरा शुरू किया और वहाँ से अपना दौरा शुरू करते करते वो यहाँ पहुँचे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये वही हवाई अड्डा है, IGI एयरपोर्ट है, जहाँ पर सब फॉरेन डिग्नेटरीज जो आएंगे, डेलीगेशन आएंगे, जो बड़े राजनेता हैं G20 देशों के, वो यहाँ आएंगे, यहाँ से उतरेंगे और यहीं से ही उनका जो सफ़र है दिल्ली शहर के लिए वो शुरू होगा। तो उसी बीच कि क्या क्या व्यवस्था इस समय सौंदर्यकरण के लिए की गई है, उसका जायजा लेने के लिए LGBK सक्सेना यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने एक एक पौधे को, एक एक गमले को, सड़क के एक एक कोने को देखा, निरीक्षण किया, आला अधिकारियों को आदेश दिए कि जहाँ गलती थी, जहाँ कुछ खराब था, कि वो ठीक किया जाए। मैं आपको बता दूँ कि 8, 9 और 10 तारीख को दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता दिल्ली आएंगे, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और इसी दुल्हन के जो गहने होंगे वो ये पेड़ पौधे, गमले होंगे, मूर्तियां होंगी, ये लाइटिंग्स होंगी और बड़ी बड़ी स्क्रीन होंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 3 दिनों के लिए जो दिल्ली है बंद रहेगा। आज तक से खास बातचीत करते हुए LGBK सक्सेना ने बताया कि वो बहुत दिनों से जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा कर रहे हैं और आज जब उन्होंने जायज़ा किया, उन्होंने हमें ये भी बताया कि 31 अगस्त तक जो ये सारी तैयारियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। जो दिल्ली का ये मेन स्ट्रेच है, जो एयरपोर्ट को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ेगा, प्रगति मैदान से जोड़ेगा, जहाँ पर G20 समिट होगा, वहाँ 31 तारीख तक सौंदर्यकरण का जो काम है वो पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।